छत्तीसगढ़ में धान की खरीदारी जल्द ही शुरू होने वाली है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 1 दिसंबर से धान खरीदारी शुरू होगी। इसको लेकर सरकार की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय पूल के अंतर्गत 61.65 लाख टन अरवा चावल लेने की अनुमति मिली है। केंद्रीय पूल में उसना चावल नहीं लिया जा रहा है, इससे 500 राइस मिल बंद हो जाएंगी। अमरजीत भगत का कहना है कि केंद्र सरकार से उसना चावल लेने का अनुरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ में 40% ऐसे धान की खेती होती है जिससे उसना चावल ही बन सकता है। अरवा मिलिंग करने पर चावल में ब्रोकन ज्यादा आता है। 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 61 लाख मेट्रिक टन चावल उपार्जन का लक्ष्य दिया है, जो कि अरवा चावल का है। इसमें एक भी उसना चावल नहीं है। वहीं पिछले साल केंद्र सरकार ने 24 लाख मेट्रिक टन चावल प्रदेश से लिया था, जिसमें 16 लाख मेट्रिक टन उसना तो 8 लाख मेट्रिक टन अरवा था। अभी तो जब उसना लिया जा रहा है, तब करोड़ों का धान संग्रहण केंद्रों में खराब हो रहा है। इधर इस मामले में प्रभारी खाद्य नियंत्रक का कहना है कि राज्य शासन द्वारा जैसा आदेश दिया जाएगा उसका पालन करेंगे। पारंपरिक रूप से हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी मायने रखती हो। जिन लोगों का मुख्य आहार चावल है, वे इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। दरअसल देश के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में मुख्य रूप से चावल का सेवन किया जाता है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सदियों से उसना चावल का सेवन किया जाता है। उसना चावल नहीं लिया गया तो मोटा धान का उठाव कमजोर रहेगा, बड़ी मात्रा में धान बचेगा, इसे गोदामों में रखना होगा। केंद्र सरकार के तहत संचालित FCI ने इस बार उसना चावल लेने से मना कर दिया है। इसकी वजह से उसना राइस मिल के संचालक परेशान हो गए हैं। भारत सरकार से लगातार बातचीत जारी है। इस समय धान खरीदी को लेकर पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम है। इस साल भी 105 लाख रिकॉर्ड धान खरीदी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।